हेलो एवरीवन हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारे चैप्टर नंबर टेन को जो था कि रिलेशनल डी वी एम एस दैट इज कॉल्ड माए स्क्ल विच वी कैन से दैट स्क्वेल दैट इज डेवलप्ड बाय द आई बी एम सेंट जोन्स रिसर्च लैबोरेटरीज इन नाइनटीन सेवेंटीज लैंग्वेज इवाल्व सिंस दैट इट हैज नेम्ड टू बी चेंज इन मायास्क इन नाइनटीन एटी सिक्स इट कंसिस्टिंग सम अदर फीचर्स विच कैप्ट अ सो पॉपुलर मैनर लाइक स्पीड ईजी टू यूज कोस्ट एट्सट्रा फर्दर वी आर डिस्कसिंग दीज की फीचर्स ऑफ एस टूएल लाइक स्पीड फर्स्टली कोई भी डेटा होता है उसे स्पीडली प्रोसेस्ड करता है सेकेंड ईजी ऑफ यूज ईजीली किसी भी डेटा बेस को मैंटेन किया जा सकता है यूज किया जा सकता है थर्ड कोस्ट इसका जो सॉफ्टवेयर होता है उस का अमाउंट मतलब परचेजिंग अमाउंट ना के बराबर होता है कोई भी इंसान से यूज़ कर सकता है फोर्थ क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट इसमें कमांड्स और क्वेरी पर बेस्ड सभी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं दैट्स वाई क्वेरी मैनिपुलेशन इजी होता है पोर्टेबिलिटी किसी भी सिस्टम पर इजीली हम इसे चला सकते हैं दैट दैट इज कॉल्ड पोर्टेबिलिटी मतलब कहीं भी किसी भी सर्वर पर किसी भी सिस्टम पर हम लोग इसके सर्वर uh, को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं डेटा टाइप्स इसमें जो भी वर्क होता है वो डेटा टाइप पर बेस्ड होता है इन सभी चीज़ों को मैं जब आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी तब समझ आएगा आपको कि डेटा टाइप क्या होता है सिक्योरिटी किसी भी डेटा के ऊपर हम लोग अपना सिक्योर पासवर्ड लगा सकते हैं जिसकी वजह से वो जो डेटा है वो हमारा सिक्योर फॉर्मेट में होता है कोई भी हैकर क्रैकर उसे हैक uh, क्रैक नहीं कर सकता uh, और सबसे मीनिंगफुल थिंग uh, जो कंसेप्ट है वो ये है कि जितने भी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने डेटाबेस को सिक्योर मैनर में रखने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करती हैं जिसकी वजह से एस बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है एट्थ पॉइंट जो है वो हमारा स्केलेबिलिटी एंड लिमिट्स स्केलेबिलिटी मीन्स होता है बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एक साथ रखना मतलब एक डेटाबेस एक ऐसा सर्वर है जिस पर एक टाइम पर 50 मिलियन से भी ज़्यादा डेटाबेस टेबल की फॉर्मेट में रिकॉर्ड स्टोर किया जा सकता है कनेक्टिविटी नेट से हम लोग इसके डेटा को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी सर्वर पर इजीली कनेक्ट हो सकता है किसी भी फ्रंट एंड लैंग्वेज के साथ डेटा की कनेक्टिविटी इजीली हो सकती है दैट्स वाई ये इतना ज़्यादा पॉपुलर डिमांड पर होता है ठीक है यहां तक बात आ गई आपको समझ में अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि अगर हम लोग एसक्यूएल को स्टार्ट करते हैं तो एसक्यूएल को स्टार्ट कर किस तरीके से किस फॉर्मेट में किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास माइस्क्यूएल सर्वर uh, का होना मैंडेटरी होता है माएस्क्यूएल सर्वर हमारे पास होना चाहिए जिसकी जो कंप्लीट प्रोसेस है वो ये है फर्स्टली वी क्लिक ऑन स्टार्ट बटन देन ऑल प्रोग्राम दैन माएस्क्यूएल दैन माएस्क्यूअल सर्वर पर जाएंगे उसके बाद उसके कमांड प्रॉम्प्ट पर हम लोग उसको ओपन कर लेंगे लाइक दिस इफ वी आर क्लिकिंग ऑन आ स्टार्ट बटन देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम देन माए स्क्यूएल देन माएस क्यूएल सर्वर फाइव पॉइंट जीरो और उसके बाद उसका एक ऐसा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होकर आता है ठीक है माएस क्यूएल का जब हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारा माएस क्यूएल ओपन हो जाता है जब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होकर आता है तो वो हमें कुछ इस तरीके से दिखता है जिसमें हमें पता चलता है कि हम लोग माएस क्यूएल के कमांड प्रॉम्प्ट पर पहुंच गए हैं इसके बाद यहाँ से हम लोग उसकी क्वाज को पुट करना कमांड्स को लिखना स्टार्ट करते हैं जिसके ऊपर कम्प्लीट ऑपरेशन परफॉर्म होती है लाइक मैनुपलेशन एडिटिंग क्रिएटिंग सेलेक्टिंग डिलीटिंग अपडेटिंग एटसेट्रा ओके यहाँ तक बात आ गई आपको समझ में अब उसके बाद हम बात करते हैं कि एसक्यूएल की जो स्टेटमेंट्स हैं वो किस कैटेगरी uh, में क्लासिफाइड किए गए हैं बेसिकली एसक्यूएल में थ्री टाइप की कमांड्स को कैटेगराइज किया हुआ है डी डी एल डी एम एल एंड टी सी एल DTL consisting a data definition language, DML consisting data manipulation language and TCL consisting transaction control language. Uh, uh, ये जो तीन अलग अलग language के commands के group हैं, इनको अलग अलग categorization में डाला हुआ है। इनके categorization का means uh, proper ये है कि इन कमांड्स के अंदर मतलब इस एक स्पेसिफिक ग्रुप के साथ में बहुत सी और लैंग और कमांड्स है जो कि इस ग्रुप के अंदर में आती है मतलब एक ग्रुप बना दिया गया है उस ग्रुप में लगभग फाइव टू सिक्स कमांड्स हैं या हम ये बोल सकते हैं फाइव टू सिक्स क्वेरीज हैं जो एक ग्रुप को कंप्लीट परफॉर्म करती है ओके आ गई बात आपको सभी को समझ में कंप्लीट ये चीजें अगर आपको थोड़ी और लग रही है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी जब हम एक एक जैसे डी की सोचे डी में कम्प्लीट फिफ्टीन कमांड्स हैं तो हम लोग जब उनको करेंगे पहले हम इसको थर्टिकल देखेंगे फिर उसका स्टेटमेंट देखेंगे उसका सिंटैक्स देखेंगे आफ्टर दैट जब हम उसको परफॉर्म करेंगे तो वो आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा ओके okay? तो हम लोग एक एक करके कमांड्स को समझ लेते हैं सबसे पहला जो है हमारा दैट इज कॉल्ड डी डी कमांड DDL consisting it perform DDL consisting data definition language it perform the task related to data definition जो data को define करने के से related task होता है वो perform किया जाता है like DDL में किस तरीके के commands लिखी जाती है like create alter drop rename etc ये क्या है उनके keywords हैं जिनसे की commands लिखी जाती हैं या शुरू होती हैं तो अगर हम ये बोलें कि डी डी एल की कमांड्स की कैटेगरी में कौन कौन सी कमांड्स आती हैं तो उसमें आएगा क्रिएट अल्टर ड्रॉप रिनेम एट्सट्रा ओके आफ्टर दैट हम बात करते हैं डी एम एल डी एम एल सभी को पता है मैनुपलेशन लैंग्वेज मैन्युपुलेशन लैंग्वेज का मीन्स अगर हम कोई ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कोई कमांड है उस पर अगर हम लोग किसी भी फॉर्मेट में कोई डेटा अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में मैन्यूपुलेट करते हैं मतलब सपोज टू बी कि आपने कोई डेटा ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है अगर आप उस डेटा को अपडेट करना चाहते हैं उस पर कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम किस कमांड को लेंगे डी को जिसमें इंसर्ट अपडेट सेलेक्ट कुछ इस तरीके की कमांड्स आती हैं हाउ मेनी टास्क आर परफॉर्म बाय द डी इट रिट्राइवल ऑफ द इंफॉर्मेशन रिट्राइव करना के करने का मीन्स होता है गेट करना एक्सेस करना ओके रिटायर मीन्स लेना सेकेंड द इंसर्शन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इफ यू ऑलरेडी डिटरमाइन इफ यू ऑलरेडी परफॉर्म एनी टाइप ऑफ टास्क रिलेटेड टू आ ओल्ड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सो वी कैन ईजिली मैनिपुलेटेड विद द न्यू ऑपरेशन ठीक है अगर हम कोई भी तरीके के पुरानी कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास स्टोर्ड है और अगर हम उसमें कुछ न्यू अपडेट करना चाहते हैं कुछ न्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम डी एम एल कमांड कम्प्लीट करेंगे द डिलीशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा बेस इफ़ डू नॉट रिक्वायर्ड एनी टाइप ऑफ सपोज टू बी कोई कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारी टेबल में मीनिंगलेस है उसका कोई यूज़ नहीं है तो उसे हम डिलीट कर देंगे तो वो वाला कमांड भी डी एम एल से कम्प्लीट परफॉर्म होता है थर्ड और लास्ट पॉइंट जो है सॉरी फोर्थ द मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा मॉडिफिकेशन का मीन्स होता है किसी डेटा को चेंज करना दैट इज़ कॉल्ड अपन अपडेट करते हैं ना किसी चीज को सपोज टू बी कि आपका नाम ए है और आप अपना नाम ए से चेंज करके बी कर देते हैं तो जो डेटा जो रिकॉर्ड ए के नाम पर अभी तक चल रहा था वहां मॉडिफिकेशन होगा कि जिस स्टूडेंट का नाम ए है उसे वहां से मॉडिफाइड करके बी कर दिया जाए तो ये सभी जो भी कमांड्स होती हैं ये किससे कंप्लीट होती हैं डी एम एल से थर्ड और लास्ट जो कैटेगरी है हमारी वो है टी सी एल सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी जिसे हम बोलते हैं टी सी एल कमांड्स जिसमें ट्रांजेक्शन कंट्रोल होते हैं ट्रांजेक्शन का मीन्स होता है कि अगर आप ऑलरेडी कोई चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं और उस एक कंप्लीट ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग उसी ड्यूरिंग अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशनस ट्रांजेक्शन में चाहिए तो जैसे कि आपने कोई डेटा लमसम सपोज टू बी कि आप आपने 500 हंड्रेड एंट्रीज कर दी हैं और उसके बाद आपको लगता है कि ये जो 500 सौ एंट्री मैंने की है इनमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होने वाला कोई भी चेंज नहीं होने वाला किसी भी तरीके की एरर अकर नहीं होगी तो हम उस टास्क को इंस्टेंट कमिट कर देते हैं कमिट का मीन्स अब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा जैसे अपन बोलते हैं ना सिंपली कमिटमेंट ठीक है मतलब उस एक कंप्लीट टास्क में कोई भी चेंजेस नहीं होना तो ये जो कुछ कमांड्स हैं ये क्या करती हैं उस टास्क को सर्टेन इंस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम तक उसको कंप्लीट कर देती हैं ठीक है इसी तरीके से इसमें कुछ चार पॉइंट्स की कमांड दी हुई हैं लाइक रोल बैक रोल बैक क्या करता है कि अगर अपन ने कोई ट्रांजेक्शन किया और सपोज टू बी कि आपने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक टेन लाइन लिखी टेन लाइन में से आपकी एट जो लाइन्स थी वो कम्प्लीट सही थी Ninth line पर आपसे कुछ मिस्टेक हो गई तो आप क्या करेंगे उसे एट्थ लाइन तक तो एज इट इज रखेंगे और नाइन्थ से उसको रोल बैक कर देंगे रोल बैक का मतलब कि नाइन्थ से जो लाइन आपने स्टार्ट की थी नाइन्थ और टेंथ वो सब इरेज हो जाए और उसकी जगह पर आप कोई न्यू डेटा एड कर दो ठीक है ये जो भी कमांड्स हैं ये आप अभी फिलहाल लिख लीजिएगा पढ़ लीजिएगा इन सभी कमांड्स को मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी Uh, एक चीज़ और जो फर्स्ट चैप्टर की uh, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जैसे अपन बोलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन या फिर एडिशनल क्वेश्चनस वो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं प्रोवाइड कराऊंगी आइर अगर मैं uh, किसी भी क्लास के बीच में प्रोवाइड कराती हूँ तो वो भी आपको लिखने हैं लर्न करने हैं ठीक है सिर्फ एक नोटबुक बनानी है जिन भी आई के स्टूडेंट्स ने मुझे अपना वर्क सेंड नहीं किया है आज शाम तक मुझे अपना वर्क पीडीएफ बनाकर सेंड कर, कर दीजिए अदरवाइज़ मैं उनका एबसेंट शो कर दूंगी ओके Thank you.